नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजेश त्रिपाठी। सभी दोस्तों का रोज़ाना की तरह यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रोज़ाना मैं आपको जो वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, उनमें मैं ये कोशिश करता हूं कि बहुत अच्छी तरह से तुम्हें आप सभी लोगों को समझ में आए। आज भी मैंने रोज़ाना की तरह एक वीडियो बनाया है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उसके ऊपर आज मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, उसके ऊपर मैं आपको समझाऊंगा बेहतर तरीके से, ताकि आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ सकें और अपनी आगामी परीक्षाओं में आप बहुत अच्छा परिणाम ला सकें। थैंक यू। तो देखते हैं, रोज़ाना की तरह मैंने जो वीडियो बनाया है, आज वीडियो जो है उसका टाइटल है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, तुलनात्मक डिग्रियां, पॉजिटिव सकारात्मक डिग्रियां, और जिसे जिसे जो अवस्थाएं होती हैं वो भी बताना है, और उनको पहचाने की कैसे ये भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पर क्या है कि डिग्रीज जो होती हैं वो दोस्तों सभी को पता है, एज यू नो, जैसा सब जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री होती है, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री होती है, और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। इस तरह से तीन डिग्रियाँ होती हैं। एकेडमिक स्तर पर तीन डिग्रियां ही होती हैं, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हो तब भी तीन ही डिग्रियां होती हैं। इस तरीके से इन डिग्रियों की सहायता से कभी कभी वाक एक एक डिग्री का वाक दिया जाता है, पूछा जाता है इसमें कौन सी डिग्री है, आपको बताना है। कोई भी वाक लिखा हुआ है, पूछ दिया भाई बताओ इस दिए गए वाक में कौन सी डिग्री है, तो आपको डिग्री बहुत अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, हमने मेंशन किया है पॉजिटिव डिग्री को, कंपैरेटिव डिग्री को और सुपरलेटिव डिग्री को। अब देखिए, यहाँ पर सिर्फ चार और नियम हैं आपके, चार नियमों की सहायता से आप डिग्रीज को बना सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सी डिग्री का इसमें प्रयोग किया गया है। तो देखो, पहला जैसे कि है ये नो अदर सो एजेज। दोस्तों सीधा सीधा समझ लेते हैं कि नो अदर का प्रयोग हो रहा है, सो का प्रयोग हो रहा है और एज का प्रयोग है। बस आपको नो अदर देखना है, सो देखना है और एज देखना है। अगर आपका नो अदर सो एज आ रहा है तो समझ लो आपका पॉजिटिव डिग्री है। कौन सा डिग्री होगा दोस्तों? पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, अब पॉजिटिव डिग्री को हमें कन्वर्ट करना होता है कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव डिग्री में जो लगा हुआ है नियम उसको हटा देते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में नियम लगा देते हैं देन एनी अदर। किसका प्रयोग कर देते हैं? देन एनी अदर का। समझ में आ गया सभी को? अभी हम नीचे बताएंगे कि किस तरह से इनका प्रयोग किया जाएगा। तो देन एनी अदर आपने देख लिया, तो अगर किसी वाक्य में जैसे लिखा है कि नो अदर कंट्री इज सो डेवलप्ड एज अमेरिका, तो इस तरह से अगर वाक्य कोई लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए सीधा सीधा कि ये पॉजिटिव डिग्री का है। अगर उसमें लिखा है कि अमेरिका इज मोर डेवलप्ड कंट्री देन एनी अदर कंट्री, अगर इस तरह से वाक लिखा हो तो देन एनी अदर का प्रयोग हुआ है, तो वो कंपैरेटिव डिग्री वाला वाक हो गया। तो समझ में आ गया सभी को, देन एनी अदर का प्रयोग होता है कंपैरेटिव डिग्री में। उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि दी आता है दोस्तों, और उसके साथ में सुपरलेटिव डिग्री आता है। तो यहाँ पे दी का जो है सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल का नियम होता है कि किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी का प्रयोग किया जाता है, अनिवार्य होता है। तो ये समझ में आ गया, अगर आपकी सुपरलेटिव डिग्री रखी हुई है जो कि एडजेक्टिव की सुपरलेटिव होती है डिग्री, तो ये एडजेक्टिव्स ही होते हैं जिनको डिग्री में विभाजित कर दिया जाता है। पॉजिटिव डिग्री में जैसे टाल आ गई, टाल लंबा होता है यानी कि एडजेक्टिव होता है, उसका कंपैरेटिव अधिकांश पॉजिटिव डिग्री में ईआर जोड़ने से कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है, और अधिकांश पॉजिटिव डिग्री में ईएसटी जोड़ने से सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण हो जाता है, लेकिन सभी में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अगर दी और प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है तो आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं वेरी फ्यू। अगर आपका दिया दोस्तों क्या दिया गया है, वेरी फ्यू दिया गया है, एज दिया गया है और आपका एज दिया गया है। अभी इसमें सो दिया था, अब इसमें एज का प्रयोग हो। दूसरा क्या नियम है इसमें? वेरी फ्यू। वेरी फ्यू एक तरह से निगेटिव भी होता है, वेरी फ्यू बहुत कम, ना के मुकाबले में। वेरी फ्यू इनके नियम जो होते हैं फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, दी लिटिल, इस तरह से इनके तीन तीन नियम होते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको समझाना है वेरी फ्यू बहुत थोड़ा, यानी कि बिल्कुल ना के मुकाबले, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे वेरी फ्यू एज, एज आपका दिया होता है तो आपका कौन सा डिग्री का वाक होगा? पॉजिटिव डिग्री। समझ में आ रहा है सभी को? अब देखो, पॉजिटिव डिग्री को जब कंपैरेटिव में ले जाते हैं तो कैसे करते हैं? अभी आपका जो नो अदर वाला कंपैरेटिव में था उसमें देन एनी अदर का प्रयोग था, अब इसमें ये वेरी फ्यू वाला वाक जो हम कंपैरेटिव कर रहे हैं तो इसमें दोस्तों लगाते हैं देन मोस्ट अदर। मोस्ट के स्थान पर कभी कभी मैनी का भी प्रयोग कर दिया जाता है, तो आपको भूलना नहीं है।
आपको समझना है कि अगर देन मोस्ट अदर लगा हुआ है, देन मैनी अदर लगा हुआ है, तो आपका कंपरेटिव ही होगा और दूसरा कोई बात नहीं हो सकता है। इसके बाद में अगर इसको हम सुपरलेटिव डिग्री में ले जाते हैं तो इसमें लगाना पड़ता है बन ऑफ दी सुपरलेटिव डिग्री। अगर दोस्तों आपके वाक्य में लगा हुआ आ जाए बन ऑफ दी, क्या आ जाए दोस्तों बन ऑफ दी अगर वाक्य में आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वो सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है। समझ में आ गया सभी को? अच्छा अच्छा, आगे देखते हैं। अब ये दो नेम के लिए हो गए। इसके बाद में यदि देन, अब आपका आएगा वाक्य में देन, क्या आएगा दोस्तों देन। देन को हमेशा समझिएगा कि देन एक कंपेरेटिव वर्ड होता है। क्या होता है? कंपेरेटिव वर्ड होता है, यानी कि तुलनात्मक शब्द होता है। इसको लगाया जाता है जिस वाक्य में, वो वाक्य बन जाता है कंपेरेटिव का, चाहे वो पॉजिटिव का हो चाहे वो निगेटिव का हो। बात समझे? पॉजिटिव कंपेरेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव और निगेटिव की बात कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव एक डिग्री भी होती है और एक पॉजिटिव सेंटेंस भी होता है कि सकारात्मक और नकारात्मक। बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, तो यहाँ पे देखो देन का प्रयोग अगर पॉजिटिव वाक है, अगर पॉजिटिव वाक हो और प्रयोग किसका हो देन का, पॉजिटिव वाक हो और देन का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सो और पॉजिटिव डिग्री और प्लस एज और नाउन का प्रयोग करते हैं। लेकिन याद रहे कि दोस्तों इनके कर्ता बदल जाते हैं। तो देखो यहाँ पर दूसरा है यदि देन का प्रयोग हो और इसका प्रयोग कैसा हो निगेटिव। अब ये वाक जो होगा वो कैसा होगा? निगेटिव होगा। अभी आपका कैसा था? पॉजिटिव था। अभी आपका कैसा है? निगेटिव है। देन का ही बात चल रहा है, देन का वाक पॉजिटिव हो तो उसमें नॉट लगाते हैं। सीधा सीधा समझते हैं कि अगर पॉजिटिव डिग्री का वाक है तो निगेटिव में चला जाता है कंपरेटिव में, और अगर निगेटिव डिग्री का वाक है, वो निगेटिव वाक है, तो कंपरेटिव डिग्री में उसको जब ले जाते हैं तो पॉजिटिव करते हैं। पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए देन का प्रयोग अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एज पॉजिटिव डिग्री और प्लस एज नाउन का प्रयोग करते हैं। याद रहे कि कर्ता इनके भी बदल जाते हैं दोस्तों। अगर देखो हमेशा याद रहे कि पॉजिटिव का कर्ता कंपरेटिव में और सुपरलेटिव में पहले आएगा। पॉजिटिव का जो अंत का कर्ता होगा वो कंपरेटिव में सबसे पहले आएगा, सुपरलेटिव में भी सबसे पहले आएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो हमने ये तो आपको समझा दिए, समझ में आ गया सभी को? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए मैंने कुछ वाक यहाँ पे बना रखे हैं, इनको भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पॉजिटिव डिग्री का पहला वाक हमने आपके सामने रखा है जिसमें लिखा है नो अदर। क्या लिखा है? नो अदर। दिख रहा होगा सभी को नो अदर रखा है, तो नो अदर बॉय इज सो टाल इज मोहन। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि इसमें सो दिया गया, यहाँ पर एज दिया गया है, तो नो अदर बॉय इज सो। तो आपने क्या पहचाना है? नो अदर और सो और एज, यानी ध्यान रखना है कि किस डिग्री का वाक हो गया? पॉजिटिव डिग्री का। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसको हम एकेडमिक स्तर से जब चेंज करते हैं तो देख लो इसमें कैसे चेंज किया। तो पॉजिटिव का जो कर्ता था वो सबसे पहले आ जाता है, पॉजिटिव का कर्ता कंपरेटिव और सुपरलेटिव में सबसे पहले आता है। तो उसका कर्ता क्या था? मोहन। तो मोहन इज क्या करना है दोस्तों? मोहन इज जो आपकी टाल है, ये पॉजिटिव डिग्री है, इसकी बना दो कंपरेटिव डिग्री, यानी टालर लगा दिया टालर। अब आपको किसका प्रयोग करना है? देन एनी अदर का, तो देन एनी अदर। अब बचा क्या है? नाउन। नाउन बचा है इसका, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे नाउन बचा है, तो नाउन इसका क्या हो जाएगा? बॉय। इसका क्या नाउन हो जाएगा? बॉय। तो समझ में आ गया सभी को? यानी कि नो अदर सो और एज लगा हुआ है तो पॉजिटिव डिग्री का वाक है, और देन एनी अदर लगा हुआ है तो कंपरेटिव डिग्री का वाक है। अब यहाँ पे देखो इसको सुपरलेटिव बना देते हैं, तो इसका सब्जेक्ट यही रहता है, तो मोहन इज दी। इसमें क्या है दोस्तों नियम? दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, तो इसमें डिग्री थी टाल, तो टाल की क्या हो गई? टालेस्ट। तो मोहन इज दी टालेस्ट बॉय। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, इसके बाद में एक वाक बेरिफ्यू वाला देख लीजिए। यहाँ पे आपका वाक दिया गया हुआ है, जैसे पॉजिटिव डिग्री का वाक है वेरी फ्यू। दोस्तों देख लेते हैं यहाँ से, वेरी फ्यू किंग्स वर एज फेमस एज राणा, मतलब बहुत कम ऐसे राजा थे इतने प्रसिद्ध जितना कि राणा प्रताप, यानी राणा प्रताप बहुत प्रसिद्ध राजा थे। तो देखते हैं दोस्तों इसको, अब यहाँ पे वेरी फ्यू दोस्तों दिया गया है, क्या दिया गया है? वेरी फ्यू, और यहाँ पर दिया गया एज, और यहाँ पर दिया गया एज। एज वेरी के साथ, वेरी फ्यू के साथ में एज जुड़ा हुआ है, यानी कि कौन सा वाक्य है? वेरी फ्यू एजेज, यानी पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है।
अब इसको हमने चेंज किया है तो पॉजिटिव का जो सब्जेक्ट होता है वो कंपेरेटिव में सबसे पहले आ जाता है। तो क्या आ गया इसमें, राणा बाज। अब ये राणा एक वचन है, यहाँ पे बहुवचन था किंग्स, तो राणा बाज मोर। अब देखो फेमस जो एडजेक्टिव है, फेमस को हम फेमसर और फेमसेस्ट नहीं करते हैं, इसके लिए जब जिस एडजेक्टिव का कंपेरेटिव और सुपरलेटिव नहीं होता है तो उसमें कोई भी एडजेक्टिव मच की अवस्था में रहता है, पॉजिटिव डिग्री की अवस्था में रहता है। जब उसको कंपेरेटिव करना होता है तो उसमें मोर लगा देते हैं, सुपरलेटिव करना होता तो मोस्ट लगा देते हैं। जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल हमेशा मच की स्थिति में, उसको ब्यूटीफुलर नहीं करेंगे, ब्यूटीफुलस्ट नहीं करेंगे, ब्यूटीफुल से पहले सिर्फ मोर का प्रयोग और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का प्रयोग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर राणा बाज, राणा मतलब राणा प्रताप, बाज मोर फेमस देन मोस्ट अदर किंग्स। तो देखो दोस्तों यहाँ पर देन मोस्ट अदर का प्रयोग किया गया है, किसका प्रयोग किया गया है, देन मोस्ट अदर का। समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है, अच्छी बात है। तो देन मोस्ट अदर किंग्स, किंग्स ये इसका वाक का नाउन है, इस समझ में आ गया सभी को। इसके बाद में इसको जब सुपरलेटिव चेंज करते हैं तो इसमें क्या करना है, सुपरलेटिव में देखना है कि वन ऑफ दी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना, तो राणा बाज वन ऑफ दी मोस्ट, मोस्ट आ गया यहाँ पर, वन ऑफ यहाँ पर आ गया है, ठीक है, वन ऑफ दी मोस्ट फेमस किंग्स। समझ में आया सभी को, तो मोस्ट वन ऑफ दी देखना है आपको, समझ में आ रहा है सभी को। इस तरीके से आप पॉजिटिव और नो अदर वाले को और वेरी फ्यू वाले वाक्यों को समझ सकते हैं। वेरी फ्यू जुड़ा हुआ है तो पॉजिटिव है, नो अदर जुड़ा हुआ है तो पॉजिटिव है, देन एनी अदर जुड़ा हुआ तो कंपेरेटिव है, देन मोस्ट अदर जुड़ा हुआ है तो भी कंपेरेटिव है। अब यहाँ पे देख लेते हैं दूसरे वाक्य जो हमने यहाँ पे नियम बनाए थे, यहाँ पे क्या है कि रवि इज वाइजर देन आई, रवि जो है अधिक होशियार है अपेक्षाकृत मेरे, तो यहाँ पे बैजर दिया गया है, बैजर दिया और देन दिया, कंपेरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग हो रहा है, यानी कि देन जो है आपका पॉजिटिव है, कैसा है, देन का प्रयोग पॉजिटिव हो रहा है, तो वाक आपका निगेटिव बनेगा, कैसा वाक बनेगा, निगेटिव। तो देखते हैं दोस्तों इनके सब्जेक्ट जो होते हैं वो चेंज कर लेते हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ का आ गया आई एम नॉट सो बाइज एज रवि, इस तरीके से आपका वाक्य बन जाता है। तो कहने का मतलब है अगर देन जुड़ा हुआ तो कंपेरेटिव है, सो और एज जुड़ा हुआ है तो पॉजिटिव, हमेशा याद रखो सो और एज आ जाए पॉजिटिव वाक्य है, एज एज आ जाए तो पॉजिटिव वाक्य है, देन आ जाए तो निसंदेह आपका कंपेरेटिव वाक्य होगा। इसके बाद में रोहन इज नॉट टालर देन रवि, देखो दोस्तों यहाँ पे रोहन जो है इज नॉट नहीं है अधिक लंबा अपेक्षाकृत रवि के, तो यहाँ पर ये जो देन का प्रयोग किया गया, देन का प्रयोग कैसा है, निगेटिव है, देन का प्रयोग कैसा है दोस्तों, निगेटिव है। तो निगेटिव अगर देन का प्रयोग निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में बनाते हैं, तो इसका सब्जेक्ट चेंज कर लो, रवि इज एज एज, रवि इज एज टाल एज रोहन, समझ में आ गया, इनके सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं दोस्तों। समझ में आ गया सभी को, समझ में आ गया, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं इस उम्मीद के साथ आप लोगों के सपोर्ट के साथ मैं इसी तरह से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इस जिम्मेदारी को समझता हूँ। आई विल नेवर फॉरगेट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड न्यू वीडियोज़ एवरी डे, और बस आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका नाम है YouTube का चैनल MP कैंपस, अगर आपने अभी तक सर्च नहीं किया है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं और हमें मोटिवेशन प्राप्त करें, ताकि हम नए वीडियो आपको देते रहें। कल आपको उसी समय पर एक नया वीडियो फिर लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए राजेश त्रिपाठी को इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।